शैतवानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर। इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी रीड आउट करेंगे। ये सवाल आपको पेपर के अंदर 10 नंबर का आता है, तो लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। इज़ एन ओपन क्यूटर्ड प्रोवर्ब, अक्सर दोहराए जाने वाली जर्बन मिसल है। इट मीन मतलब है दैट ट्रू एंड सिंसर के सच्चा और मुखलस फ्रेंड दोस्त नेवर लिव इन द लर्च, कभी भी मुसीबत में नहीं छोड़ेगा। दे हेल्प इन द फॉर, वो मदद करेगा फॉर ऑफ नीड, जरूरत के वक्त। व्हेन अ पर्सन इज इन ट्रबल, जब एक इंसान मुसीबत में होता है, ही नोज हिज रियल फ्रेंड, वो जान जाता है अपने हकीकी दोस्त को। दिस इज़ अ फेमस मशहूर स्टोरी, इस सच को जो है वो सच साबित करती है। वो कौन सी स्टोरी है अभी देखेगी। वंस देयर लिव टू फ्रेंड, एक दफ़ा दो दोस्त रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में। दे वार वेरी फास्ट फ्रेंड, वो बोले गहरे दोस्त थे। वन ऑफ देम वाज वेरी टॉल, इनमें से एक बहुत लंबा था, खूबसूरत था और होशियार था। दूसरा वह शोर छोटे कद का था। दे प्रोमिस, उन्होंने वादा किया टू स्टैंड बाई ईच अदर, के वो एक दूसरे का साथ देंगे थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात में। वन डे, एक दिन, दे वर ट्रैवलिंग, सफ़र कर रहे थे थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल से। वैन दे रीच पहुँचे द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के दरमियान, दे सा आ देर, उन्होंने एक रीच देखा कमिंग टू देम, इनकी जानब बढ़ रहा है। दे वर फील्ड विद फेयर, वो खौफ से भर गए टू सी द बेयर, रिच को देख कर। दे वर वोरिड, वो परेशान थे अबाउट देयर लाइफ, अपनी जिंदगियों के बारे में। द टाल मैन, लंबा आदमी, वाज वेरी क्लेवर, बहुत होशियार था एंड सेल्फिश, खुदगर्ज था। ही एट वांस क्लाइम अप अ ट्री, वो फोन एक दरख्त पर चढ़ गया टू सेव हिज लाइफ, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। ही डिड नॉट केयर फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त की परवाह ना की। द अदर फ्रेंड, दूसरा दोस्त, वाज परप्लेक्स, इसके बावजूद परेशान था। बट ही थॉट ऑफ अ ट्रिक, लेकिन उसे एक तरकीब सूझी। ही हैड बीन टोल्ड दैट, उसने उसे बताया दैट अ बियर, एक रिच डज नॉट हार, नुकसान नहीं पहुँचाता अ डेड पर्सन, एक मुद्दा जो है वो शख्स को। ही एट वंस फौरन लेट गया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, एंड हेल्ड हिज हेड, और अपना सांस जो है वो रोक लिया। रिच जो है वो इसके पास आया, ही स्निफ सूंघा एंड टुक द मैन, और आदमी को पाया टू बी डेड, मुर्दा, एंड वेंट अवे, चला गया। व्हेन द बियर वाज आउट ऑफ द साइट, जब जो रिच नज़रों से ओझल हो गया, दूर चला गया, ही केम डाउन, वो नीचे आया द ट्री दक्ष से। बाई वे रास्ते में जो मजाक उड़ाते हुए आस हिज फ्रेंड, दोस्त को कहा व्हाट द बियर हैड विश पेयर, के रिच ने तुम्हारे कान में क्या कहा था, क्या सरगोशी की थी। इन टू हिज एयर, तुम्हारे कान में। द फ्रेंड रिप्लाइड, बताया दैट द बियर एडवाइस, के रिच ने मुझे नसीहत की थी हिम नॉट टू ट्रस्ट अ फॉल, के यकीन ना करो एक झूठे एंड सेल्फिश खुदगर्ज दोस्त पर। सेइंग दिस, ये कहकर ही बैट गुड बाई, उसने खुदा हाफिज़ कहा टू हिम इसे, एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपना सफ़र जारी रखा अलोन तनहा। मोरल देखें बेटा इसका, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए। डू नॉट रिले ऑन सेल्फिश फ्रेंड, खुदगर्ज दोस्तों पर भरोसा ना करें। बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, झूठे दोस्तों से खबरदार रहें। ये तो था बेटा जो है वो आज का लेक्चर, जो मैंने आपको जो है वो स्टोरी की सूरत में रीडोट करवा दिया है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी मान लिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।